संग्रह में उपलब्ध होंगे लोहिया सुथण व चोलना आदि सिरमौरी परिधान। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ने किया सिरमौर हैंडलूम शॉप का उद्घाटन। पारंपरिक डिजाइन के साथ तैयार की जा रही है सिरमौरी पोशाकें। उपमंडल मुख्यालय संग्रह में अब लोहिया सुथण चोलना ढाटू व सदरी आदि सिरमौरी परिधान पारंपरिक शैली में उपलब्ध करवाए जाएंगे। बस अड्डा बाजार में विजेंद्र सिंह नामक युवक द्वारा सिरमौर हैंडलूम नाम से शुरू की गई सिरमौरी पोशाकों की दुकान में लोग अपने साइज व इच्छा अनुसार विभिन्न पोशाकें तैयार करवा सकेंगे। इस हैंडलूम शॉप का औपचारिक उद्घाटन रविवार को भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रताप सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने क्षेत्र में अपनी तरह की पहली दुकान शुरू करने के लिए बांदल गांव के विजेंद्र सिंह नामक युवक के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इलाके में अब तक इस तरह की कोई भी दुकान उपलब्ध नहीं थी तथा लोग बड़े शहरों में जाकर सिरमौरी पोशाकें खरीदते थे जो कई बार मौलिकता से मेल नहीं खाती थी। विजेंद्र ने बताया कि उनके पास सर्दियों में पहने जाने वाले सिरमौरी परिधान लोहिया सुथण व सदरी के कुछ ऑर्डर भी आए हैं। इसके अलावा वह दिवंगत चोलना कारीगर राम सिंह के परिवार के सदस्यों के सहयोग से गिरिपारत व सिरमौर जिला के ऊपरी हिस्सों में केवल दिवाली व बूढ़ी दिवाली के दौरान पहने जाने वाले चोलना ड्रेस को भी उपलब्ध करवाएंगे। सिरमौरी सांस्कृतिक दलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों अथवा आयोजनों में पहने जाने वाली विशेष पोशाक को भी वह जल्द उपलब्ध करवाएंगे। विजेंद्र के अनुसार जल्द वह मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अथवा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण लेकर यहाँ लोहिया व सदरी के लिए बनने वाली ऊनी पट्टियों के लिए हथकरघा यूनिट स्थापित करेंगे और इससे इलाके के कुछ अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सकेगा। उनका परिवार पुश्तों से सिरमौरी पोशाक बनाने का काम करता है। हालांकि मार्केटिंग की समस्या के चलते अब तक इस पुश्तैनी धंधे से उन्हें बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा कि हैंडलूम अथवा दुकान का काम अच्छा चलने पर जहां एक तरफ है कुछ अन्य बेरोजगारों को रोजगार दे सकेंगे, वहीं इच्छुक युवाओं को सिरमौरी पोशाक अथवा ड्रेसेस तैयार करने का प्रशिक्षण देने का काम भी वह जारी रखेंगे। कस्बे में शुरू हुई सिरमौरी वस्त्रों की इस पहली दुकान में काफी संख्या में आज लोग हाथ से बनने वाली इन पोशाकों को देखने के लिए पहुँचे।